Hello everyone, how are you? I hope you are doing great. This is Tasawad Hussain with you and my channel is Tasawad Tech. अगर आप इस चैनल में नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट. तो चलो मैं इस वीडियो में एक नया चीज लेकर आया हूँ और वो है Outlook Mail. तो ये क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं. गाइस, एक्चुअल में क्या होता है ना कि समटाइम आप कुछ मेल टाइप करते हो, मेल राइट करते हो और उसको सेंड करते हो. जैसे ही आप सेंड करते हो आपको लगता है कि आह आई मिस समथिंग, ओह मैंने कुछ गलत लिख दिया, ओह मैंने उस बंदे को ऐड नहीं किया, ओह मुझे ये चीज मेंशन नहीं करना था. तो इतना सारा चीज जब आप भेज देते हो तब याद आता और आपको लगता है कि ओ मैंने क्या कर दिया, बहुत गड़बड़ होने वाला है. वेट वेट वेट, अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं हुआ. अगर आपको जस्ट आप भेजे और आपको ये याद आता है कि नहीं मैंने कुछ मिस्टेक किया है, मुझे कुछ नया चीज ऐड करना था या रिमूव करना था या कुछ और रेसिपिएंट को ऐड करना था, तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप इस भेजे हुए मैसेज को वापस बुला सकते हो. तो वो क्या है देखते हैं. चलिए, तो बहुत ही सिंपल है. आप अपना आउटलुक ईमेल खोलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से करना है. ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. मैं एक मेल राइट करता हूं, ठीक है. लेकिन 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 याद रखिए कि जब आप मेल भेजते हो आउटलुक, तो आउटलुक पे जाएगा तो ही आप उसको रिकॉल कर सकते हो. आउटलुक टू अदर प्लेटफॉर्म, आउटलुक टू लाइक जीमेल, लाइक याहू, लाइक अदर प्लेटफॉर्म, यू कैन नॉट रिकॉल. सो प्लीज मेक श्योर दैट अगर आप कोई मेल आउटलुक टू आउटलुक भेजें तो वो रिकॉल किया जा सकता है. सेकंड कंडीशन, वो मैसेज रीड नहीं होना चाहिए बाय रिसिपिएंट. अगर रिसीवर ने उसे रीड कर लिया सो यू कैन नॉट रिकॉल. तो ये दो बातें याद रखिएगा. ओके, तो इसीलिए जब भी आपको भेजने के टाइम पे याद आया तो एज सुन एज पॉसिबल उसको रिकॉल करो. ओके, तो चलिए देखते हैं. एग्जाम्पल लेने के लिए मैं क्या करता हूं, सिंपली एक मैसेज राइट करता हूं खुद के लिए. मैं खुद को ही भेजता हूं. ओके, ताकि मैं आपको दिखा भी सकूं कि वो इनबॉक्स में आया और उसको कैसे मैंने रिकॉल किया. ओके, लेट्स टाइप हाई रिकॉल मैसेज टेस्ट. ओके एंड सेंड. मैंने सेंड किया ना, तो आप अभी ये सेंड बॉक्स में जाके देखो, आपको ये मिलेगा. और मेरे इनबॉक्स में भी आके देखो, ये मैसेज आ चुका है, थैंक्स एंड बेस्ट रिकॉर्ड. मैंने इसे रीड नहीं किया है. अगर मैं रीड करूंगा तो आई कैन नॉट रिकॉर्ड. तो ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर उसने रीड कर लिया तो खलास, आप यू कैन नॉट. तो चलिए देखते हैं कि भेजा हुआ मैसेज को रिकॉल कैसे करते हैं. तो ये सेंड बॉक्स में जाओ, जो मैसेज आपने भेजा है उसमें डबल क्लिक करो. डबल क्लिक करने के बाद ये मैसेज आपका फुल विंडो में खुल जाएगा. उसके बाद ये आपके मूव ऑप्शन में जाओ, मूव एरिया में. इसमें आप देखो मोर मूव में जस्ट यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है रिकॉल दिस मैसेज. सो जस्ट क्लिक ऑन इट. तो यहां पर आपको दो ऑप्शन आ रहा है और आपको देखिए यहां इंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, मैसेज रिकॉल कैन डिलीट और रिप्लेस कॉपीज ऑफ द मैसेज इन रेसिपिएंट इनबॉक्स इफ दे हैव नॉट येट रीड दिस मैसेज. जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था. ओके, तो आप यहां पर देखो कि आपके पास दो ऑप्शन मिल रहा है, डिलीट अनरीड कॉपीज ऑफ दिस मैसेज और डिलीट अनरीड कॉपीज एंड रिप्लेस विद द न्यू मैसेज. अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो मैसेज को हम बुला लेते हैं, खलास मैं नहीं, मुझे भेजना नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं वो मैसेज में कुछ सुधार करना था या कुछ पार्टी को नया ऐड करना था, तो आप ये सेकंड ऑप्शन भी चूज कर सकते हो. जब आप सेकंड ऑप्शन चूज करोगे तो आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा उसी मेल पे, आप उसको रीसेंड कर सकते हो. अगर ये डिलीट अनरीड कॉपीज ऑफ दिस मैसेज आप करते हो तो मैसेज रिकॉल हो जाएगा, जो रिसिपिएंट को गया वो वापस आ जाएगा आपके पास. तो देखते हैं लाइव किस तरह से ये वापस आता है. ओके, तो मैंने चूज किया डिलीट अनरीड कॉपीज ऑफ दिस मैसेज और ये चेक बॉक्स को चेक रखिए, टेल मी इफ रिकॉल्स सक्सीड ऑफ फेल्स और ईच रिसिपिएंट्स. ओके, ये आप चेक करोगे, चेक रखोगे तो क्या पता चलेगा, अगर वो रिकॉल हुआ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा रिकॉल हुआ, अगर रिकॉल नहीं हुआ तो वो भी नोटिफिकेशन आएगा कि आप ये रिकॉल नहीं हुआ है. तो गुड है कि आप इसको चेक करके रखो एंड देन क्लिक ऑन ओके. अब यहां पर एक देखिए, यू ट्राई टू रिकॉल दिस मैसेज ऑन फ्राइडे सितंबर 16, यानी कि दिस इज द टाइम. तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें सेंड बॉक्स में, सॉरी इनबॉक्स में जाके रिकॉल हुआ नहीं हुआ. मैसेज रिकॉल सक्सेस, आप यहां पर देखो यहां पर एक नोटिफिकेशन आ गया ईमेल पे कि मैंने ये मैसेज को रिकॉल कर लिया है.
पहले आपने एक मैसेज यहाँ पर देखा था ना, आइए लेकिन ये दूसरा मैसेज रिकॉल सक्सेस का एक इनबॉक्स में हमारे पास मेल आया कि आपका भेजा हुआ मेल रिकॉल हो गया है। तो हुई ना, अच्छी वाली बात। ये तो हुई कि आप मैसेज को रिकॉल कैसे करोगे, लेकिन मैं कुछ आपको नया चीज भी बताना चाहता हूँ कि वी आर ह्यूमन बीइंग राइट। अक्सर हमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है भेजने वक्त, काफी कभी कभी हम रस में रहते हैं, कभी बहुत वर्क प्रेशर होता है, तो कुछ ना कुछ हम मिस्टेक कर देते हैं। अब भेजने के बाद मुझे कभी कभी याद भी नहीं आता है कि मैंने क्या गलती किया, और कभी अगर भेज दिया तो वो रीड हो गया तो खलास वी कैन नॉट रिकॉल इट बैक। तो ऐसे केस में आप क्या करो ना कि आप एक डिले डिलीवरी एक ना हर मैसेज के लिए सेट कर दो कि जब भी मैं मैसेज सेंड करूं तो मेरे सेंड बॉक्स से वो ऑट बॉक्स से तुरंत ना जाए, वो ऑट बॉक्स में ही रहे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वट एवर यू वांट, या 1 मिनट 2 मिनट, आप ये मैसेज सेट कर दो सबके लिए। तो इसमें क्या होगा ना कि जब भी आप मैसेज सेंड करोगे, मान लो कि आप 5 मिनट आपने सेट कर दिया कि जब भी मैं सेंड करूं ये ऑट बॉक्स में रहे 5 मिनट, उसके बाद ही वो सेंड हो। तो ऐसे केस में क्या करना है, सिंपली आप एक रूल अप्लाई कर दो आपके हर मैसेज के लिए कि जब भी मैं कोई भी मैसेज सेंड करूं, या आप स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी कर सकते हो कि अगर इस पर्सन को मैं भेज रहा हूं तो मेरा डिले जाए, या इस तरह का मैसेज भेज रहा हूं तो मेरा डिले जाए। तो बहुत सारा आपको कैटेगरी, बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, तो सिंपली आप यहां पर जाओ, मूव ऑप्शन आप देख रहे हैं, ठीक है। मूव में जाने के बाद आप रूल्स में जाओ, मैनेज रूल्स एंड अलर्ट में जाओ। ओके, तो बहुत सिंपल है, यहां पर क्लिक ऑन न्यू रूल्स करिए। न्यू रूल्स करने के बाद ये आपको बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ लास्ट वाला ऑप्शन चूज करता हूँ, डिले डिलीवरी अप्लाई रूल्स ऑन मैसेज आई सेंड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, देन यहां पर बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है कि आप किस तरह का चेंज करना चाहते हो, ठीक है। जैसे विद स्पेसिफिक वर्ड इन द सब्जेक्ट, थ्रू द स्पेसिफाइड अकाउंट, मार्क्ड एज इंपॉर्टेंस, मार्क्ड एज सेंसिटिविटी, यानी कि किस तरह का मैसेज को आप डिले डिलीवरी करना चाहते हो। तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, मैं चूज करता हूं सारे के लिए। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट, और ये मेरा पास ऑप्शन आ रहा है नीचे से, सेकंड नंबर डिले डिलीवरी बाय नंबर ऑफ मिनट। तो मैं जब इसको क्लिक करता हूं तो नीचे यहां पर देखो अ नंबर ऑफ मिनट्स ओपन हुआ। तो नंबर ऑफ मिनट्स में मैं क्लिक करके मैं क्या करता हूं, इसको 2 मिनट कर देता हूं, ठीक है। एंड ओके, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट। यहां पर स्पेसिफाई नेम ऑफ फॉर दिस साइट, तो आप कुछ भी लिख दो आपके मन से, आपके रेफरेंस के लिए, डिलीवरी डिले बाय 2 मिनट्स। ओके, एंड टर्न ऑन दिस रूल, यहां पर आपका ऑप्शन दे रहा है कि ऑलरेडी जो आप इनबॉक्स में भेज चुके हो उसमें भी रूल अप्लाई करना चाहते हो, या फिर नया टर्न ऑन ऑन दिस रूल्स ओनली। तो मैं इसको फिनिश करता हूं। सो दिस रूल विल ऑनली टर्न व्हेन यू चेक योर ईमेल इन आउटबॉक्स, इफ आउटबॉक्स इजंट रनिंग दिस रूल्स विल नॉट वर्क। अगर आपके मेल सर्वर में, यानी कि जो भी आपका मेल एप्लीकेशन है, अगर उसमें ऑट बॉक्स है तभी ये काम करेगा, अगर ऑट बॉक्स नहीं है तो नहीं, खलास वो डायरेक्टली सेंड में जाएगा। यानी कि आप डिले डिलीवरी करना चाह रहे हो ना, जब भी आप सेंड कर रहे हो ना, तो वो पहले ऑट बॉक्स में जाएगा, ऑट बॉक्स में 2 मिनट के लिए रुकेगा, उसके बाद वो सेंड बॉक्स में जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास ऑट बॉक्स होना चाहिए, तो हमारे पास ऑट बॉक्स है। अब मैं इसको ओके करता हूं, ओके डन। तो चलिए हम लोग एक लाइव डेमो भी कर लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट डिले, ओके, मैं खुद को ही भेजता हूं। ओके, यहां पर देखो, हाई फॉर टेस्ट पर्पस ओनली। ओके, ये तो एक छोटा सा ये है ना कि इसमें कुछ टाइम नहीं रखना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए ना, ये कुछ मैंने ज्यादा टाइप किया है ना ही कुछ अटैचमेंट डाला है, तो इस फ्यू केबी में है, तो खलास टेस्ट सेंड कर दिया हूं मैंने। अब यहां पर मैं ऑट बॉक्स में आपको दिखाता हूं कि ये ऑट बॉक्स में देखो है, ये 2 मिनट के लिए ऑट बॉक्स में रहने वाला है। तो क्या आप मेरे साथ वेट करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स नहीं करना चाहते हैं। तो आप देखो ना, अभी तक ये है, इसका मतलब ये 2 मिनट तक यहां पर रहेगा। तो खलास आई थिंक ये वीडियो आपको काफी काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये रियली इंफॉर्मेटिव आपके लिए और आपका ये काम आने वाला, तो प्लीज डू लाइक, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।